आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के उपलक्ष्य में जगह जगह मंदिरों में शाम के समय दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। वहीं हिंदू धर्म के मानने वाले व हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों ने भी अपने घरों में दीप जलाकर राम मंदिर निर्माण शिलान्यास पर अपनी खुशी जाहिर की। इसी क्रम में गोंडा के ऐतिहासिक तिर्रे मनोरमा स्थित राम जानकी मंदिर व मनवर नदी के चारों तरफ दीप जलाकर इस ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण का लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं राम जानकी मंदिर के महंत सीताराम दास जी महाराज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर हिंदू जनमानस में खुशी का माहौल है। लगभग 500 वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त होकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। वहीं हिंदू और मुस्लिमों के बीच राजनीतिक दरारें भी खत्म हो गई, इसलिए पूरे मंदिर परिसर व मनवर नदी के चारों तरफ दीपक जलाकर हम भक्तों ने राम जानकी मंदिर है, ये मनोरमा उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ से मनोरमा नदी का उद्गम हुआ था। मनोरमा नदी यहीं से प्रकट हुई थी। अब मनोरमा एक ऐसी नदी है जिनकी जो यहाँ से प्रकट हुई और फिर यहाँ से जाते हुए मनिकापुर होते हुए मखौड़ा बस्ती और फिर सरयू में जाकर के मिलती हैं, समावेश हो जाती हैं। अब मनोरमा नदी राम जी की अत्यंत प्रिय है क्योंकि महाराजा दशरथ जी ने इसी नदी के तट पर प्रतिष्ठ यज्ञ करवाया था जिसके कारण महाराज दशरथ जी को संतान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वेद में, इतिहास में और हर जगह इसकी इनका प्रमाण मिलता है। निष्केता पुराण भी है, वो भी यहीं से जुड़े हैं, उद्दालक मुनि के तपस्थली भी जी। तो यहाँ पर आज हमने 5100 दीप प्रज्वलित करवाने का संकल्प लिया है क्योंकि देखिए राम जन्मभूमि के राम मंदिर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज भूमि पूजन किया है इसके बाद एक भव्य रूप लेगा हमारा मंदिर। देखिए इस मंदिर के लिए कई क्रांतिकारी, कई साधु संतों ने बहुत संघर्ष किया, कई लोग इसमें शहीद भी हो गए, कई लोगों ने गोलियां खाई, लाठियां खाई। देखिए आज परम पूज्य श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की आत्मा को तृप्ति मिली है, सच्ची श्रद्धांजलि आज ही मिली है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के माध्यम से मिल पाई है। रामचंद्र परमहंस जी, माननीय अशोक सिंघल जी, अवैधनाथ महाराज जी और कई कई दिव्य पुरुष हैं, कई संत महात्मा हैं जिनकी आज आत्मा को शांति मिली है। तो आज हमने उसी के उपलक्ष्य में आज का हिंदू आम जनमानस, कई लोगों का हमारे पास फोन भी आया कि महाराज जी आज तो बहुत अति खुशी की बात है और सबने चाहा भी कि हम मंदिर पे आए लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त रूप में 5100